जय माता रा। इजी टोटके चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रहण काल में मंत्रों की सिद्धि कैसे करनी है। ग्रहण काल में कई प्रकार के मंत्रों की सिद्धि की जाती है। इस ग्रहण काल में कम परिश्रम करके आप मंत्रों की सिद्धि कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, जिसके लिए सर्वप्रथम आपको कई बातों को ध्यान में रखना होगा, जिसमें पहला है आसन। आप कुश का आसन या ऊनी कंबल का आसन का प्रयोग करेंगे, जिससे कि मंत्र जाप करते समय आपके शरीर में जो चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका स्थानांतरण पृथ्वी पर ना हो सके। दूसरा है संकल्प। संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। संकल्प लेने के लिए आपको अपने हाथ में पानी लेकर यह संकल्प करना है या मन में यह दोहराना है कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं इस मंत्र का जाप करने वाला हूँ और मुझे इसकी सिद्धि करने में आप सफलता प्रदान करें। ग्रहण काल में धूप अगरबत्ती की कोई आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार के फोटो की भी आवश्यकता नहीं होती। चाहें तो आप घी या तेल का दीपक जला सकते हैं। केवल संकल्प और आसन अनिवार्य है। मंत्रों की गिनती के लिए आपको माला का प्रयोग करना होगा। माला कमलगट्टे का माला, स्फटिक का माला या रुद्राक्ष का माला हो सकता है। ग्रहण काल के समय कुछ लोग जल में खड़े रहकर भी मंत्र जाप करते हैं। मंत्रों का जप कम से कम 1.25 घंटे तक होना चाहिए और मंत्र लयबद्ध होने चाहिए। न ही अधिक तीव्र गति से मंत्रों का जाप होना चाहिए, न ही मंद गति से, अन्यथा लयबद्धता बिगड़ जाती है और उच्चारण भी खराब हो सकता है। ग्रहण काल में मंत्रों का जप करने के पश्चात आपको हवन करना होता है। अगर आप हवन करने में सक्षम नहीं हैं तो आपके द्वारा जितने भी संख्या में मंत्र जपे गए हैं उसका 1/10 हिस्सा आपको पुनः जप लेना होता है, जिससे हवन करने की आवश्यकता नहीं होती। जप करने के पश्चात आपको हाथ में थोड़ा जल लेकर परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हुए कि मैं यह जप आपको समर्पित करता हूँ, इस प्रकार जल को पृथ्वी पर छोड़ देना है। इसके पश्चात जिन वस्त्रों को आपने पहनकर मंत्र जाप किया है उन वस्त्रों सहित आपको स्नान कर लेना है। इस प्रकार आप मंत्र सिद्धि कर सकते हैं। जय माता रा।